काकू क्या बच्चों वाले वेब फूक रहा है यार, इसको मार 120 पे तो मैं मानू, करके दिखा मुझे चैलेंज, चैलेंज मार 120 पे फिर पी के दिखा, मैं तुझे करके दिखाऊंगा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी ब्रो, इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था। आज क्या 13th अगस्त है, 13th तक। यार ये तू, ये यार ये बंदा, ये बंदा उदास क्यों रहता है, इसको क्या रोग लगा हुआ है, कौन छोड़ के चली गई। अच्छा मानो बिल्ली की तबीयत खराब है, मैं भी कहूँ इसको बंदी शंदी तो मिली नहीं, ठीक है। अच्छा जाना है, बस बंद करनी चाहिए यार, भूख लग रही है। असल में इसको जो हुआ है ना, वो हुआ है हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार हुआ है। जब चेकअप करवाने गए हैं तो एक दफा से चेकअप करवा लिया, इसको दवाई दी, थोड़ा सा नॉर्मल हो, उसके बाद फिर से ना इसको सांस आना बहुत, एक लम्हा ऐसा आ गया था कि इसको सांस आ नहीं, एकदम स्टिल हो गया। चल फिर मिलते हैं, सीन हो गया। तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया वहाँ पे, फिर मेडिसिंस दिए, मेडिसिंस वगैरह इसको दिए एक दिन, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर अगले दिन आज मतलब ठीक है ओके, गाड़ी से बाहर भी आना है भाई, मेरा दम घुट रहा है 3 मिनट गाड़ी में बैठ के तुम्हें। जितने भी इसके केयर हो, जितना भी इसका ख्याल रखा जा रहा है सारी मेरी, लेकिन अगर इस आप लोग लाइव स्ट्रीम, तो जस्ट रैंडमली मैंने लाइव स्ट्रीम ओपन किया, सही है, कोई 2,500 बंदा उनकी स्ट्रीम देख रहा था। नहीं मैं नहीं मानता, मिरेकल। जब मैंने जय भाई की स्ट्रीम ओपन किया ना, तो वहाँ पे ये गाना बैकग्राउंड में लगा हुआ था, मैं सुना था, मैंने कहा बड़ा मजे का गाना है, ऊपर से वो फिर अपनी कमेंट्री वगैरह भी कर रहे थे, मैं थोड़ी देर बैठ के देखता रहा, एकदम जस्ट 1 मिनट हुआ मुझे देखते देखते, जिसमें आवाज आई है उनकी, हेलो इशमानीश कर यार, ये तो मेरी जान है, कहते ये तो मेरी जान है इशमानीश कर, ये तो मेरी जान है यार। ब्लॉग के ऊपर यह करते हैं, मैं समझ गया, मैंने कहा बढ़ गया यार, जय भाई अभी भी इसकी मिमिक्री करने लगे। तो जय भाई को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार जय भाई सही है, लगे रहो, बहुत मजा आता है इसे करने का, लव यू कोडू। इग्नोर कर रहा, यार तुम लोग तो मेरे साथ दो ना, भोशिर वाले मुझे क्यों कह रहे हो? डन डन इंस्टा वेल हो इज टू बाथ थ्रोइंग किसेस। उमर भाई यार तुम लोग क्यों मुझे बोल रहे हो पैंच, तुम मेरे साथ नहीं हो हैं बगैर, तो ये क्या बात हुई, ऐसे तो नहीं होता ना यार, मैं नहीं खेलता चीटिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये क्या हुआ है यहाँ पे, तो जिंदा था मेरा मतलब, ये यहाँ पे तो ये है, तो ये सुबह भी हो गई। अच्छा किस्तों में बनाता है ये, ओ मुझे लगा कि व्लॉग ये होता है कि आपने पूरे दिन क्या किया, ये भाई बताते कि मैंने पूरा हफ्ता क्या किया, फिर हफ्ते बाद व्लॉग डाल के कहता है ओ गाइस मैं बिजी बहुत था। ड्रामे बस पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। बिल्ले की तबीयत देखी है तो पहले क्या था ये, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा अभी मुझे सबसे पहले जाना है एटीएम जाके पैसे वगैरह निकालने, और उसके बाद फिर बिल्ले को लेके जाना है। आज इसको लगेंगे 2 इंजेक्शन। वो जो रात को मैं आप लोगों को बता रहा था कि अल्लाह करे अगर सुबह तक इसका सांस का इशू सही होगी ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम इसकी सही होगी, तो फिर मतलब जिन चीजों के ऊपर रिस्क था कि हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, वो डिजीजेस अब नहीं होंगी इंशाल्लाह। यार ये मुझे ये बताओ, ये वहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है गाड़ी चलाते साथ कैमरा शैमरा, यहाँ पे सीधे 3 पॉइंट लग जाते हैं मेरे ख्याल से कम इतने ही होते हैं, ठीक है यार। यहाँ पे ये कि ट्रैफिक पुलिस वाले के ऊपर होता है, कभी रोक लेते, बहुत बहुत कम रोकते हैं, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ मैंने ना ऐसे गाड़ियों के व्लॉग बनाने हैं, मुझे गाड़ियों के व्लॉग ज़्यादा पसंद हैं, मुझे मैंने इस तरह कम रोकते हैं। नहीं काली शीशे अलाउ है काले सारे कराना? नहीं उसका परमिट बनवाना पड़ता है, परमिट तो हर जगह ही होता है मेरी जान, परमिट कहाँ से बनवाते हैं ये बताओ मुझे, वो उधर से बनते हैं। ओ यार बता यार कहाँ से बनता है। थैंक यू सैयद भाई, ना यार हुज़ैफ़ा बहुत अच्छा बच्चा है, हुज़ैफ़ा नहीं यार बहुत अच्छा बच्चा है, बात हाँ कहाँ से बनता है परमिट बताओ ना जी भाई, मुझे अभी खुद कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से नादरा के ऑफिस से ना पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है फिर जाके मिलता है। ओ यार मैं दूजा रास्ता दसो तुसी भैन, पर बर्गर तो नहीं हो तुम लोग, ठहर जाओ मुझे देखने दो भैन दी।
भाई चलो। क्या गंदी आवाज आई है इसकी, पैसे निकलने वाली। कैसी आई? दुनिया की बेस्ट आवाज है ये, मैं बता रहा हूँ, बेस्ट आवाज है ये दुनिया की। क्या गंदी आपकी आ रहे हैं पीछे। 14 अगस्त कैसे गुजर रही है? अभी तो है। अच्छा अभी उठे हो? 12:30 हो रहे हैं, मेरी भी हरकतें आपकी भी। इसकी आंखें साफ की? ओ यार इसकी आंखों का रंग क्यों खराब हुआ होगा बेचारी का। इसकी आंखें साफ की? सांस सही तो हो गया इसका, क्या है? अच्छा बिल्ली ने एक नहीं नहीं बिल्ली ने बिल्ली ने बिल्ली ने लेंस लगाए हैं, रात को शादी से आई होगी तारना बोल गई। वो है ही ऐसी। अच्छा तो अलग अलग आंखें हैं। ओ ये क्या है? दो इंजेक्शन लगने हैं जैसे बिल्ली और की दो स्पेशल बिल्ली। पहले एक ही लग रहा था। तुम फिर आ गए। कितनी प्यारी है यार। बस भाई सीट बेल्ट पहन लो, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है। तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई, यहाँ तक आ रही है तुम्हारी टी टी की। ये देखो ये आजादी है ना, उधर सीट बेल्ट ना लगाओ और चला लो, मजे है तुम्हारे। जोर से एक दिमाग लगा है आवाज आई। गाड़ी तो इसने अच्छी तैयार कराई बहुत सी, लेकिन अच्छा इधर अंदर पता क्या सीन है, इधर अंदर जाके ना ब्लॉक ब्लॉक में बना सकता अलाउ नहीं है, तो बस दो नहीं तीन इंजेक्शन आज इसको लगने, तो तीन इंजेक्शन लगवाने और बाकी इसका वो चेकअप वगैरह करेंगे। वो चेकअप वगैरह करवा के फिर आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे सिचुएशन। तीसरे इंजेक्शन में बिल्ली ने गाल ही निकालनी अपनी जबान में, बता रहा हूँ तुझे। प्यास लग रही है यार, ये तो मुझे आवारा बिल्ली लगती है, लगता है इसने कहीं बाहर से उठाई है, हैं किसी तंबू के नीचे से मुझे लग रहा है। अगल बैठ आज के तीन इंजेक्शन इसको लग गए हैं। अब इसका सीन ये है कि ये कोई सॉलिड चीज खा नहीं, लिक्विड के इसके पेट में और कुछ भी नहीं जा रहा है। वैसे डॉक्टर ने भी ये कहा कुछ खाएगा नहीं, तो लिक्विड ही बस इसको देने। एक बार नमाज खत्म हो गई है, लेट हो गया आज। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया मैसेज उसका, काकू का कह रहा है सुने मेरे वेप में जहर मिलाने की कर रहे हो है, आ जाओ फिर हो गया पड्डा साडा। बेटा रेडी हो तो मैं आ रहा हूँ फिर, मैं तंग आ चुका हूँ इस कम्युनिटी में स्क्रिप्टेड फड्डों से, ठीक है? मैं चाहता हूँ कुछ रियल फड्डा भी किया जाए, लेकिन ये भाई आपने तो सुना दिया हमें कि फड्डा होने लगा, अभी ये तो वो रियल तो ना हुआ, स्क्रिप्टेड हुआ, जो भी है उसको हम एडिट ऐसा करेंगे, आवाम को चूतिया बनाया जाएगा और तुम लोग फिर भी लाइक करोगे उस पड्डे को, ओके? हाजिरी बोल लगाओ को, हाँ हम करेंगे लाइक, बोलो बोलो, हाँ जी यस बोलते हैं, हाँ जी बोलो ना बोलो। मैं करने जा रहा हूँ काकू के साथ एक अदद स्क्रिप्टेड फड्डा और तुम सब उसको लाइक करोगे, हर हाल में व्यूज दोगे, लाइक करोगे और उस वीडियो को ट्रेंडिंग पर पहुँचाओगे। यार या तो माइक पहचो बंद कर दो या तो सही कर लो, ठीक है? पक्की बात है, करोगे ना? बस ठीक है। देखो यार समझा करो, ऐसे ही करना पड़ता, मैं क्या करूं? समझा करो। अरे भाई क्या बात, मैं आ रहा हूँ। अच्छा अभी मैं वजू कर रहा था ना, तो ये बिल्कुल साथ ये वाइट साइड पे खड़े हुए ये लड़के, तो वजू करते करते मुझे आवाज आई है कि गॉड डैम ये तो काकू। नमाज पढ़ ली है, अब होटल में एक दो काम है, इन्हें सारे काम जितना सारा टाइम नहीं मेरे कुल। एक चीज चेक करो यहाँ पे कसम से 5 मिनट से ट्रैफिक स्ट्रक हुई भी है। ये देखो भाई रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं जी भाई यार। तुम ये देखो घोड़ा कितना प्यारा घोड़ा है, क्या बोले इन घोड़ों को बंदा, भाई जान साइड पे हो जाओ। वो देखो पीछे चेक करो, इतनी ट्रैफिक और इधर। मैं होता मेरे पास बड़ी गाड़ी होती ना, मैं उस घोड़े को ना रस्सियाँ डाल के ना मैं साथ ले जाता और बेच देता। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बड़ा महंगा बिकता। डक्की का व्लॉग मैंने देख लिया हुआ। अच्छा अभी फिलहाल मैं आया हूँ जोहर टाउन में अल फतेह। यहाँ पर एक नैन अकमल भाई थैंक यू सो मच इसी पैसा के लिए। एक ब्रांड है उसका नाम है जोडी, तो वहाँ से एक शर्ट लेनी और मैं यहाँ पर आया हूँ फॉर बिजनेस, समझ लो दिस इज बिजनेस। सेकंड फ्लोर पे अभी नया आया, चलो अभी देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं फिर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? ठहर जो जी। अच्छा मैं जेडोनी की आउटलेट पे आ गया हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ये हमारे पास
ये वाइट शर्ट थी मेरे ख्याल, मैंने ना एक पिक्चर चेक की थी वो मौलाना तारिक जमील के साथ मीटिंग थी उनकी। हाँ जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही वाली शर्ट है। माशाल्लाह इमरान खान भी जिडोनी को, मुझे ना आप ये जिडोनी की ब्लैक कलर में दिखा दें जिसके ऊपर जिडोनी का लोगो भी लगा हुआ। आपको क्या भाई, हम इतनी अच्छा गाइस, मुझे ये चीजें नहीं पसंद, ये ब्रांडेड श्रांडेड कपड़े शपड़े, मैंने एक दो चीजें ली हैं, लेकिन उसके अलावा भाई ऐसे ही बैठा होता है, नीचे चड्डी होती है, नीचे बनियान पहनी हुई है, ऊपर मैंने बस ये पहना। easyscene.com तो मुझे कितना डिस्काउंट देखा था, लार्ज पहनाओ, लार्ज लेकर आओ भाई। ये शर्ट तो अभी भी चड्डी पहनी हुई है मैंने, कसम से। आप ऐसा कहें कि ना ये जिडोनी का किसी में नहीं, मुझे ड्रेसिंग में ये ऑल द टाइम ये ब्रांडेड गुची पुची ज़ारा ये वर्साची ना, बस एक दो बस हैं, बस उसके अलावा और नहीं। मुझे लड़कियां भी बड़ी बुरी लगती हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर कोई लड़की हो ना, उसको बस ये हवस ये चीज़ ना हो बस, कि भाई ये ब्रांडेड ये तो ब्रांडेड वो ना, फारिग है। सेकंड फ्लोर पे ही जिडोनी, थैंक यू सो मच जी। लेनी मैंने एक दो शर्ट थी, लेकिन वहाँ पे फिर पसंद आ गई, मैंने कहा फ्री अभी ले लो। अगर कोई और ब्रांड्स वगैरह इस तरह प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम @4ikaku चल, कोई नहीं करानी, पाकिस्तान सही मजे कर रहे हैं। इतनी प्यारी लगती है ना गाड़ी, इस तरह पीछे से झंडा लगाया होता है, झंडा ऐसे बैटमैन के परों की तरह उड़ा होता है, पाकिस्तान का झंडा। एटलीस्ट 14 अगस्त वाले दिन मुझे लगाना है, बस मुझे नहीं पता, मेरा दिल टूट गया यहाँ पे। यार मुझे लगा था काकू लाहौर से है, मुझे अब लग रहा है इस्लामाबाद से। मुझे झंडे नजर आए, बस मुझे नहीं पता, मुझे अब झंडा चाहिए तो चाहिए। किसी के साइड पे इस तरह लगवा, किस तरह लगेंगे? झंडे डोरी के साथ बांध देंगे। क्या प्राइस है झंडे की? सारे लोग आपके पास आएंगे सर। लगाओ लगाओ झंडा लगाओ, जल्दी 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 जल्दी। मोक्स हब लाने का सामने आप क्या चल रहा है? ये तो बैरिया है, बहुत कम स्मोक है, बहुत कम स्मोक है भाई मेरे काकू। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मेरे दादा ऐसे डबल निकाला करते थे स्मोक सनॉक में, पता है, इसे डबल निकला करता था, बल्कि वो आग निकाल देते, आग तुम तो धुआं निकाल रहे हो खाली, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? मैं स्मोक करूँ ना, पैर नज़र भी ना हो, दूर दूर तो अंधे हो जो। बाइक वाले जा रहे यार, ये मैंने मिस कर दी यार 14 अगस्त। आप कैसे हो यार? देखो पहली बात है, मैंने पाकिस्तान जाना, मुझे ऐसे फैंस मिलने नहीं, सीधी बात है, मैं होता हूँ इधर, मैंने वहाँ पर जाना, मुझे कोई नहीं मिलना, लेकिन हम एक काम करते हैं पब्लिक पास में, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, जो मेरे व्लॉग्स होंगे ना, उसमें जितने भी मैं बंदे डालूंगा ना, मुझे आने दो नाश ऑन। हेलो इस्मानी, 11:30 रात के, अभी जाके ब्लॉग एडिट करना है फिर। यार तुम्हारे, यार मुझे नहीं समझ आ रही काकू, तुम्हारे व्लॉग की क्वालिटी, तुमने भी iPhone 13 Pro, तुम्हारा व्लॉग 1080p में देख रहा हूँ, ऐसा लगा किसी ने थूक फेंकी हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारा व्लॉग ऐसा लग रहा है कैमरा बिल्लियों ने चाटा, भाई क्या मसला क्या भाई? आलू क्वालिटी, पोटेटो क्वालिटी पहन दी से, ये क्या है? ये 1080p है, हैं? अब ये ना कहना ये यूट्यूब का ग्लिच है, नहीं यूट्यूब का ग्लिच नहीं है, ये क्या क्वालिटी है? नहीं, बहुत